नमस्कार प्रिय साथियों अनुजगर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम अपनी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक एक नया प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूं जो कि यूपीएससी की 2014 की मेंस के एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2014 में अब देखिए मित्रों तो अभी तक मैंने आपसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे जो डिफिकल्ट लेवल के थे लेकिन कभी कभी वो बात होती है ना घर में छोड़ा और पूरे शहर भर में डिडोरा तो कई बार कुछ सरल क्वेश्चन भी हमें तकलीफ देते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि उनको अप्रोच कैसा करना पड़ता है या किसी क्वेश्चन के बारे में किसी पर्सनैलिटी के बारे में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता है तो हमारा कई बार ये हम ऐसे कंटेंट में मतलब हमें ऐसा लगता है कि कंटेंट की हमारे पास कमी है कि भाई हम किसी उसके बारे में उस पर्सनैलिटी के बारे में उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को लिखें या उसकी कमियों को उजागर करें और आज का ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है लॉर्ड दलोजी को किन मायनों में आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा सकता है इन मेनी वेज लॉर्ड दलोजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया अनेक प्रकार से लॉर्ड दलोजी आधुनिक भारत का निर्माता था आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि लॉर्ड दलोजी के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे उन कंट्रीब्यूशन की कमियां क्या थी और कैसे आपको इस प्रश्न के उत्तर को लिखना था लेकिन मित्रों आज के इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी में दे दू अनकेडमी पे आप लोग कोलेबोरेटिव गवर्नेंस के ऊपर एक शानदार डुअल एजुकेटर सेशन नौ तारीख को रात को साढ़े पांच बजे मतलब कल किरण बेदी मैम और मुनाल सर कंडक्ट कर रहे हैं ये डुअल एजुकेटर सेशन है मित्रों प्रशासन में रहे व्यक्तियों से यदि आप लोगों को प्रशासन के गुर सीखने को मिले तो फिर इससे अच्छी तो बात क्या ही हो सकती है कि जो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे हैं वो आप लोगों को सिखाएं कोलाबरेटिव गवर्नेंस के ऊपर तो ये यूपीएससी सीएससी के ऊपर जो मेंटर्स वर्कशॉप है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं कि कोलाबरेटिव गवर्नेंस के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा राइटिंग के ऊपर भी बताया जाएगा कि आप इसके ऊपर राइटिंग कैसे कर सकते हो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यूपीएससी का सिलेबस का होता है तो कल रात साढ़े पांच बजे कल शाम साढ़े पांच बजे नौ तारीख को आप इस सत्र से जरूर जुड़े अनएकेडमी पे यह सत्र होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल दे दूंगा और आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार के कोड को अप्लाई करने का वहां पे बोला जाए तो आप ए टेन कोड का प्रयोग कर सकते हो फ्री सेशन को अनलॉक करने के लिए तो यह जानकारी मित्रों आप लोगों को देना जरूरी थी अब मैं अपने प्रश्न पे वापस आता हूं इन मेनी वेज लॉर्ड दलूजी वॉर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया देखो मित्रों हम इस मुद्दे पर अपनी चर्चा को चालू करें कि क्या लॉर्ड दालूजी ने भारत में जितने भी काम किए क्या वो भारत के लोगों को हितों को भारत के लोगों के हितों को ध्यान रखकर उन्होंने काम किया था या उनमें भी ब्रिटिश हित शामिल था इस मुद्दे पे मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा लेकिन सबसे पहले आप यह देखो कि लॉर्ड डलूजी ने आखिरकार भारत में ऐसे कौन से कार्य किए जिनके चलते उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है तो लॉर्ड दलूजी मित्रों भारत में रेलवेज लाए अब रेलवे तो किसी भी देश में डेवलपमेंट का ही एक सिंबल होंगे ना आधुनिक आधुनिककरण का रेलवे सिंबल होते तो लॉर्ड दलूजी भारत में रेलवे लाए पोस्टल सर्विसेज लाए टेलीग्राफ सुविधाएं लाए और पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए ज, पब्लिक वर्क के लिए जन कार्य के लिए इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट की भी स्थापना करी और उसी के साथ साथ लॉर्ड दलूजी ने भारत में मतलब 1856 में रेमेरिज एक्ट भी आया तो ऐसा नहीं है कि लॉर्ड दलूजी के द्वारा भारत में कोई विकासात्मक कार्य नहीं किए गए बिल्कुल किए गए और इन डेवलपमेंटल वर्क के लिए ही लॉर्ड दलूजी को आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है लेकिन मन में एक और सवाल आता है कि क्या लॉर्ड दलुजी ने वाकई में ये जितने भी कदम उठाए थे वो भारतीय को को ध्यान भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर उठाए थे तो देखिए मित्रों मैंने अपनी किताब में भी इस मुद्दे के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है और यहां भी मैं आपसे इस बात को बात करना चाहूंगा कि दलुजी के द्वारा भारत में जितने भी सुधार लाए गए वे केवल औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर ही लाए गए थे ब्रिटिश ने भारत में सांस भी ली तो वो ब्रिटिश इंटरेस्ट उसमें शामिल था मित्रों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को स्वतंत्र करने में ब्रिटेन को केवल दो वर्षों का समय लगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई दूसरे युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने का एक कारण यह भी था कि अब भारत ब्रिटेन के लिए उतना ज्यादा लाभदायक देश नहीं बचा था जितना वो पहले हुआ करता था मैं मानता हूं कि भारत की स्वतंत्रता मिलने के पीछे के कई सारे कारण थे लेकिन उनमें एक कारण यह भी था कि अब भारत ब्रिटेन के लिए उतना लाभदायक देश नहीं रहा था जितना वो पहले हुआ करता था और यदि भारत ब्रिटेन के लिए लाभदायक नहीं था तो फिर भारत में रुकने से मतलब ही क्या था एक ब्रिटिश अधिकारी ने तो बोला भी था एनी फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश रूलर इंडिया विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ब्रिटिशर्स कि अगर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद किसी भी तरीके से ब्रिटिश शासन भारत में कंटिन्यू रहा तो यह ब्रिटिश के लिए ही घातक होगा तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ने भारत में केवल अपने फायदे को देखा और जब उनको भारत से फायदा मिलना बंद हो गया वो चले गए तो दलुजी के द्वारा भी भारत में जितने भी काम किए गए मित्रों वो भारत के उद्धार के लिए नहीं वो भारत को आधुनिक बनाने के लिए नहीं बल्कि वो ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखे किए गए थे मतलब रेलवे को इंट्रोड्यूस करने में भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश का लाभ तो था जैसे रेलवे का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने नहीं था बल्कि विद्रोहों का दमन करने के लिए सेना को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजना था मित्रों रेलवे जो ब्रिटिशर्स लाए थे जैसे कि आप बात करो यूरोप में रेलवेज आए अमेरिका में रेलवेज आए तो यूरोप और अमेरिका में रेलवेज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को मित्रों फास्ट किया बिल्कुल जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अब वो मूवी का नाम मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है उस मूवी का नाम क्या था शिवाजी द बॉस तो भारत के जो ग्रेट सुपरस्टार रजनीकांत थे उनकी मूवी थी शिवाजी द बॉस उस मूवी में क्या होता है जैसे जैसे शिवाजी चलते जाते जैसे जैसे रजनीकांत साहब चलते जाते वैसे वैसे रोडे सड़कें बनती चली जाती है तो रेलवेज का भी वही काम होता है वो किसी भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करता है लेकिन मित्रों और रेलवेज ने किया भी सही अगर आप बात करो वेस्टर्न यूरोप की अगर आप बात करो अमेरिका की तो रेलवे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस कोई फास्ट किया लेकिन मित्रों तो भारत में ब्रिटिश के दौर में रेलवे ने भारत को औद्योगिकरण करने की भूमिका नहीं निभाई बल्कि रेलवेज ने भारत को गुलाम बनाने की ही भूमिका निभाई क्योंकि रेलवे की मदद से एक क्षेत्र में यदि कोई विद्रोह होता था तो दूसरे क्षेत्र से सेना भेज के उस विद्रोह को शांत किया जाता तो मित्रों मेरे कहने का मतलब है ऑलदो दलोजी के द्वारा भारत को आधुनिक बनाने के क्रम में रेलवे इंट्रोड्यूस किए गए पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ एक्सेट्रा लेकिन यह कहना गलत है कि दलोजी इस माइंडसेट के साथ उन रिफॉर्म्स को लाया था ताकि भारत का आधुनिकरण हो वो केवल ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही भारत में रेलवे वगैरह लाते और मित्रों आप लोग ये पढ़िए ट वॉज ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस डेट द रेलवे रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल एंड हेल्प इन द इंडस्ट्रियाजेशन ऑफ द नेशन यह क्वेश्चन मित्रों यूपीएससी की 2019 की हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर टू में पूछा जा चुका है तो जो इतिहास का वैकल्पिक विषय का आपका प्रश्न पत्र होता है ना उसमें यह क्वेश्चन आया था यह तो केवल स्वतंत्रता के बाद हुआ कि रेलवेज ने अपनी वास्तविक क्षमता का बोध करा के भारत के विकास में भूमिका निभाई मतलब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बोलना चाह रहा है यह तो केवल आजादी के बाद हुआ कि रेलवेज ने औद्योगिकरण की, की भूमिका निभाई क्योंकि उससे पहले रेलवे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की भूमिका नहीं निभाई बल्कि रेलवे ने उससे पहले कोलोनाइजेशन की भूमिका निभाई उससे पहले रेलवे ने औपनिवेशीकरण की भूमिका निभाई तो मित्रों जब भी हम किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करते ना हमें यह जो लास्ट का शब्द होता है यह जरूर देखना चाहिए इन मेनी वेज लॉर्ड दलोजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया अनेक प्रकार से लॉर्ड दलोजी आधुनिक भारत का निर्माता था अगर आपसे बोला जाता जस्टिफाई इसको आप सही सिद्ध कीजिए तो आप वहां पे ज्यादा तर्क देते कि दलोजी ने ऐसे कौन से काम किए जिसके चलते उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाना चाहिए मान लो आपसे बोला जाता जस्टिफाई और आप पंद्रह लाइन्स को लिखते तो पंद्रह लाइन्स में से आप आठ से दस लाइन ऐसी लिखते जिसमें आप लॉर्ड दलूजी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते और फिर लास्ट में कंक्लूजन में लिख देते हालांकि लॉर्ड दलूजी के द्वारा जितने भी विकासात्मक कार्यों को किया गया उनके पीछे का उद्देश्य ब्रिटिश हित को साधना था जैसे कि रेलवे को ब्रिटिश केवल भारत में विद्रोहों का दमन करने के लिए लाए थे अतः ठीक ही कहा गया है कि भारत में रेलवेज ने ब्रिटिश के दौर में भारत को गुलाम बनाने की भूमिका निभाई और रेलवेज ने आजादी के बाद ही अपनी क्षमता का बोध करा के भारत के विकास की भूमिका निभाई तो आप एक बार ध्यान रखो जब जस्टिफाई बोला जा रहा है अब देखो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है आपको तो लॉर्ड दलूजी को आधुनिक भारत का निर्माता सिद्ध करना ही है तो आप पंद्रह लाइन में से आठ से दस लाइन क्या लिखो आधुनिक भारत का निर्माता कैसे था आप बताओ कि भाई रेलवे पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सुविधाएं आप रेलवे के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन को बता दो जैसे रेलवे की मदद से देश का एकत्रीकरण हुआ अब जब पांच सौ प्रिंसली स्टेट का मित्र मुद्दा आए था भारत की आजादी के बाद और उनको ब्रिटिश के द्वारा यह चॉइस दी गई थी कि आप चाहो तो भारत से मिल जाओ आप चाहो तो पाकिस्तान से मिल जाओ और आप चाहो तो खुद को इंडिपेंडेंट रखो तो प्रिंसली स्टेट्स को तो ब्रिटिश ने यही ऑप्शन दिया था ना कि हम इंडिपेंडेंट रख रहे हैं आपको आप चाहो तो इंडिया से मिलो पाकिस्तान से मिलो या, या आप खुद को इंडिपेंडेंट रखो तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल प्रिंसली स्टेट के लिए भारत से खुद को अलग रखना इसलिए था क्योंकि रेलवे को थोड़ी ना काटा जाता तो मतलब देश के एकत्रीकरण में भी तो रेलवे ने भूमिका निभाई ना अब देखो उद्देश्य भले ही ब्रिटिश का कुछ भी रहा हो लेकिन ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज के रूप में ही सही कुछ बुरे में अच्छे होने के रूप में ही सही रेलवेज का कॉन्ट्रीब्यूशन तो था तो मित्रों ये डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर आपको रेलवे का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी याद है और आपको यह भी पता है कि रेलवे ब्रिटिश दमन करने के लिए लाए थे विद्रोह का अब वो प्रश्न के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा अगर आपसे पूछा जा रहा है जस्टिफाई तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन को लिख दो लास्ट की चार पांच लाइने में आलोचना कर दो और आपसे बोला जा रहा है क्रिटिकली एग्जामिन परीक्षण कीजिए तो आप चाहे तो तीन चार लाइन में कॉन्ट्रीब्यूशन को लिख के अगली दस लाइन में आलोचना भी कर सकते हैं तो इस तरीके प्रश्नों को आप लोगों को ऐसे अटेम्प्ट करना होता है लास्ट के वर्ड्स पे थोड़ा मित्रों फोकस लाना चलिए मित्रों मैं आप लोगों को इसका डेमो आंसर भी बताता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन को फ्रेम कर सकते हो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन अच्छा एक और बात मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि आज में अनएकेडमी पे एक क्लास ले रहा हूं फ्री आज मतलब आ, एट ऑफ तो दिसंबर को ही और उस क्लास में मैं पांच ऐसी ब्रिटिश पर्सनैलिटीज की बात करने वाला हूं जो भारत में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा आलोकप्रिय हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नेगेटिव रूप में प्रभावित किया विंसेंट चर्चिल से लेके लॉर्ड कर्जन सबकी बात में करने वाला हूं। बड़ी अनपॉपुलर रॉबर्ट क्लाइव की भी बात करेंगे तो अगर आप इस सत्र को अटेंड करना चाहते हो तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से इसकी लिंक मिलेगी आप लोग अनुजगर कोचिंग के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे नीचे आप डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दिखेगी वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगी तो आप एक घंटे मेरे इस डिस्कशन के साथ भी जुड़ना बड़ा मजा आएगा और जब भी आपको अन पे फ्री क्लासेस के लिए या आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कोड का इस्तेमाल करने का मौका मिले मेक श्योर यू यूज दिस कोड एजीसी टेन एजीसी मतलब अनुजगर कोचिंग एजीसी टेन कोड का प्रयोग आप जरूर करें तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन में आपको बताता हूं तो मित्रों इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे जस्टिस हेकि मैं पहले पूरी हा इरेज कर देता हूं स्लाइड पे जो भी है ठीक है देखो आप लोग इंट्रो में क्या लिखते मेन बॉडी में और कंक्लूजन में अब जैसे मान लो पूछ लिया जाता आपसे पूछा जाता सपोज करिए क्रिटिकली में तो आप इंट्रोडक्शन में लिखते कि लॉर्ड दलूजी के द्वारा भारत में कई ऐसे कदमों को उठाया गया जिन्होंने अंततः भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया जैसे कि लॉर्ड दालूजी भारत में रेलवे लाए पोस्टल सर्विसेस लाए टेलीग्राफ सुविधाएं लाए दूसरी और सामाजिक क्षेत्र में भी विधवा पुनर्विवाह कानून आया और इन्हीं सभी अपने कार्यों के चलते लॉर्ड दालूजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है तो आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि भाई लॉर्ड दालूजी के द्वारा कौन कौन से कार्यों को किया गया था जिसके चलते उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया अब आप प्रश्न में यह स्टैंड ले लो तो लॉर्ड दलोजी के द्वारा भारत में जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स को किया गया उन्हें हम ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से दूर के नहीं देख सकते हम उन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट से दूर करके नहीं देख सकते क्योंकि रेलवेज भारत में केवल इस उद्देश्य से लाए गए थे ताकि ब्रिटिश हितों की पूर्ति हो और भारत पे अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके उदाहरण के लिए रेलवे का मकसद भारत में औद्योगिकरण की, की प्रक्रिया को तेज करना नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करना नहीं था बल्कि रेलवे का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि विद्रोहों का दमन किया जा सके उसी प्रकार से संचार साधनों का विकास संचार साधन मतलब कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब पोस्टल सर्विसेस टेलीग्राफ वगैरह तो दूसरी तरफ संचार साधनों का विकास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का विकास भी सामान्य हितों से किया गया था अतः ब्रिटिश के द्वारा भारत में जितने भी डेवलपमेंटल वर्क को किया गया उनमें औपनिवेश शामिल था और रेलवेज ने अपनी वास्तविक क्षमता का बोध तो केवल आजादी के बाद ही कराया उससे पहले रेलवेज ने भारत में केवल औपनिवेशीकरण की भूमिका निभाई थी समझ में आ रहा है तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते थे तो मित्रों तो आशा करता हूं कि आपका एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा होगा आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है देखो मित्रों आप लोग केवल इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह मत लो अभी तक मैंने आपको किन किन मुद्दों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया आज दलोजी के ऊपर कराया एक तरीके से दलोजी से हमारा एक और सब टॉपिक निकला रेलवे रेलवेज के ऊपर बात करी हमने थोड़ी पिछले सत्र में मैंने आपको अशोक की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बताया था उससे पिछले सत्रों पे भी मैंने दो मुद्दों पे बात करी तो आपके चार टॉपिक तो इससे स्ट्रांग हुए ना पंद्रह बीस मिनट अगर आप लोग जितनी भी फ्रीक्वेंसी में मैं लेक्चर अपलोड करता हूं अगर आप उसमें पंद्रह मिनट मुझे दोगे तो आंसर राइटिंग का जो मेरा सीसीएल फॉर्मूला है सीसीएल का मतलब होता है कंटेंट कनेक्टिविटी और लैंग्वेज तो आंसर राइटिंग करते समय कंटेंट कनेक्टिविटी और लैंग्वेज तीनों अच्छी होना चाहिए तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे तो सीसीएल आपका सुधरेगा कंटेंट भी सुधरेगा कनेक्टिविटी भी सुधरेगी और लैंग्वेज भी सुधरेगी मित्रों मैं आपको समझाऊं भले कितनी भी आम बोलचाल की भाषा में लेकिन जब भी मैं आपको उत्तर फ्रेम करना दिखाता हूं तो वो ऐसी भाषा में सिखाता हूं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में यूज करना होती है तो आप उससे सीखिए आप देखिए कि कैसे इंट्रोडक्शन में मैं जब मेन बॉडी में एंटर करता हूं तो उसके बीच में आपस में कनेक्टिविटी तो मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी में सकारात्मक रूप से इसको लाभान्वित आप हो रहे होंगे तो अगले सत्र में मैं आपसे फिर मिलूंगा मित्रों आप लोग से जुड़ने का मुझे हमेशा इंतजार रहता है जैसा कि आज रात नौ बजे भी मुझे इंतजार है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लिंक प्राप्त होगी बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर एक और बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए जय हिंद जय भारत अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद